हम बात कर रहे थे बायो सावर्ट के नियम की, हम बात कर चुके थे उसके, फिर हमने क्या कर लिए थे चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन थी उसके नियम भी हमने पढ़ लिए थे, और जो अपने बुक के 4 नियम थे वो पढ़ के उसके साथ में एक अपना जो खुद का नियम था वो भी हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं अपने पास में कोई परिमित लंबाई का कोई तार है और धारावाही चालक तार है, उसके कारण अपने को उससे किसी डी दूरी पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करनी है कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि एक परिमित लंबाई का चालक तार ले लेते हैं, और ये इसका कोई भी पॉइंट हो जाएगा, जरूरी नहीं ये मिड पॉइंट ही हो, ठीक है ना। तो इससे स्मॉल डी दूरी पर, इससे स्मॉल डी दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये अपने पास में धारावाही चालक तार हो गया जिसमें धारा की डायरेक्शन, जैसे ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, धारा की जो डायरेक्शन है वो बी से ए की ओर है। तो आपको इस बात का मालूम है कि जो हम चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू ज्ञात करते हैं और इसका परिमाण ज्ञात करेंगे, तो परिमाण के लिए हमारे को किसने, बायो सावर्ट ने एक फॉर्मूला दिया था, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और उसने क्या किया था कि जो धारा की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में एक अल्पांश लिया था, उसने क्या किया था, एक अल्पांश लिया था। तो हम भी क्या कर लेंगे यहां पर, एक डीएल अल्पांश ले लेंगे, ठीक है ना, या एक कोई छोटा सा अल्पांश ले लेना, और यहां से ये जो है तुम्हारा पॉइंट पी, ये इसके साथ में एंगल बना रहा है थीटा, अपने को इस थीटा से ही मतलब होता है, ठीक है ना। छोटा सा अल्पांश है और जो धारावाही, धारा की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से ये जो इसकी डिस्टेंस है आर, आर ही मानते थे बायो सावर्ट में भी कि स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू इतनी होती है। ये मैं मान लेता हूं कि यहां इस ओ पॉइंट से यहां की जो डिस्टेंस है स्मॉल एल है, इसको मैं क्यू पॉइंट नाम दे देता हूं, जो यहां पर ये पॉइंट है इसको मैं क्यू नाम दे देता हूं। ये डी दूरी हो गई, ये वाली सीधी लंबवत दूरी, ये अल्पांश से स्मॉल आर दूरी हो गई। अब ये जो पी पॉइंट है, जैसे मैं यहां से बात करूं कि तुम्हारे पास में ये कोई परिमित तार है, इसके कारण इस पी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहां से जैसे मैं इस पॉइंट को यहां से मिलाऊंगा, तो ये तार का यहां से यहां तक का पूरा पोर्शन इस एंगल से कवर हो रहा है, पूरा का पूरा किससे कवर हो रहा है, इस वाले एंगल से। और यदि मैं यहां से मैं बात करूं यहां तक की, तो ये जो यहां से नीचे वाला जो पोर्शन है वो इस एंगल के द्वारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही यदि मैं यहां से मैं बात करूं, तो जैसे ये वाला है वो किसी एक एंगल से कंप्लीट होगा, और यहां से इतना हिस्सा ओ से ए तक का तो हो जाएगा, जैसे मान लो इसको तुम नाम दे दो φ1, इसको नाम दे दो तुम φ1, और ये जैसे कोई दूसरा वाला है ये हो गया तुम्हारे पास में φ2, ठीक है। अब यहां पर चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग यदि तुम जैसे मान लो कि जैसे ऐसे चलते हो एंटी क्लॉकवाइज, उसको यदि तुम पॉजिटिव लेते हो तो ओ, क्लॉकवाइज चलते हो उसको पॉजिटिव लेते हो तो एंटी क्लॉकवाइज वाले को क्या ले लेना, नेगेटिव, या फिर इसको नेगेटिव लेते हो तो इसको पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि एक की जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड में और एक की डायरेक्शन होगी वो इसके विपरीत साइड में। तो चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग एक एंगल किस में लोगे, प्लस में, तो एक किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो तुम इसको φ1 लेते हो, या तुम ऐसे बोलो कि हम तो इसको φ1 नहीं लेंगे, φ1 इसको लेंगे, तो φ1 इसको और φ2 इसको भी ले सकते हो, कोई आपत्ति नहीं होगी इसमें, ठीक है ना, रिजल्ट वही आएगा जो आना है अपने पास में, ये अपने पास में हो जाएगा। जैसे मान लो कि इस वाले को तुम पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको किस में ले लोगे, नेगेटिव में। ये जो अल्पांश आ गया तुम्हारे पास में, ये अल्पांश हो गया, इसकी डिस्टेंस यहां से बिंदुओं से एल दूरी हो गई, और ये यहां पर जो एंगल बन रहा है इसको मैं अलग मार्कर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल है फाई, ये एंगल कितना है फाई, ये आर डिस्टेंस, इसको मैं यहां से ये लिख देता हूं। यहां तक इस डायग्राम में कोई दिक्कत है तो देख लेना, मेनली इसमें डायग्राम ही है, इसके बाद में इसका पूरा काम खत्म है। क्या किया हमने कि अपने पास में ए बी एक धारावाही चालक तार है, इसके किसी बिंदु, इसके ऊपर स्थित किसी बिंदु ओ से लंबवत दूरी स्मॉल डी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम इससे बिंदु ओ से स्मॉल एल दूरी पर स्थित बिंदु क्यू पर एक छोटा धारावाही अल्पांश लेते हैं, जिसकी वैल्यू तुम डीएल बोल सकते हो, ठीक है ना, डीएल अल्पांश लेते हैं। डीएल अल्पांश है वो बिंदु पी की जो स्थिति सदिश है वो, और डीएल अल्पांश की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है, ठीक है ना।
और अल्पांश की बिंदु P से दूरी कितनी है, स्मॉल r है, और ये जो एंगल बन रहा है यहां पर कितना बन रहा है, फाई बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट, बायो सावर्ट के नियम के अकॉर्डिंग बायो सावर्ट ने क्या बोला कि यहां इस अल्पांश के कारण, धारावाही अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू होगी वो db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगी। ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, बायो सावर्ट के अकॉर्डिंग। बायो सावर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ इस अल्पांश के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ये हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो ना तो अपने को थीटा देगा, थीटा हमने यहां पर माना है इसका निकालने के लिए, ठीक है ना, बायो सावर्ट के अकॉर्डिंग इसको बनाने के लिए वो अपने को देगा फाई वन और फाई टू की वैल्यू देगा और यहां से ये लंबवत दूरी डी देगा। तो जैसे मैं इसको दे देता हूं समीकरण नंबर एक, ये वाला डायग्राम अपने कोई काम का है नहीं, ठीक है। तो यहां से यदि मैं बात करूं अब, तो इसमें आप देख लेना, सबसे पहले जैसे ओ पी क्यू, यहां पर आपके पास में एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ओ पी क्यू से, ठीक है ना। यहां पर जैसे तुम बात करो कि इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू, तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई कॉन्स्टेंट है 10^-7, ठीक है ना। आई जो करंट फ्लो है इसमें फ्लो होगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो डीएल है ये सिर्फ इस अल्पांश की बात कर रहा है, लेकिन अपने को लेना है कंप्लीट। आगे बात समझ में, ये जो साइन थीटा है, थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, अपने को इसको फाइव में कन्वर्ट करना है, और ये जो आर डिस्टेंस दे रखी है इसको हमको हमारे को किसमें कन्वर्ट करना है, डी में, ठीक है ना। ये जो आर दे रखी है अपने को, वो आर वैल्यू नहीं देगा, वो कौन सी वैल्यू देगा, डी वैल्यू। तो आर और डी में रिलेशन बता के ऐसे हम इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सा कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं त्रिभुज तुम्हारा ले लूं, मैं ओ पी क्यू से, तो सबसे पहले तो मैं जैसे तुम्हारा ये एल वगैरह इसको मैं डी में कन्वर्ट कर देता हूं थोड़ा सा। तो इधर देख लेना, तुम्हारे को मैं बता दूं कि ये जो डी डिस्टेंस है और ये जो एल है, इन दोनों में रिलेशन कौन बताएगा, ये फाई एंगल हो गया, फाई के सामने वाला लंब हो गया और ये आधार हो गया, ठीक है ना। ये एक तरीके से ऐसा समकोण त्रिभुज बन रहा है तुम्हारे पास में, यहां पर एंगल फाई बन रहा है इस वाले, ये जो एंगल है थीटा इसको कोई मतलब नहीं है, ये लेंथ एल हो गई और ये लेंथ डी हो गई, ये तुम्हारा ओ पी क्यू हो गया। तो यहां से टेन फाई इज इक्वल टू, बोलो टेन फाई इज इक्वल टू टेन थीटा बराबर लंबटे आधार, लंब की वैल्यू थीटा के सामने वाला, एल अपॉन आधार की वैल्यू डी। तो यहां से एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टेन फाई, एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टेन फाई। यदि मैं इसका फाई के सापेक्ष अवकलन कर दूं, क्या कर दूं, फाई के सापेक्ष अवकलन कर दूं, तो बोलो क्या हो जाएगा, डी एल अपॉन डी फाई, डी एल अपॉन डी फाई इज इक्वल टू, यहां पर फाई के सापेक्ष करेगा तो डी तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो डी तो अपनी जगह पे, टेन फाई का सेक स्क्वायर फाई और फाई का वन, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से डी एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी सेक स्क्वायर फाई और डी फाई। तो डी एल को तुमने कन्वर्ट कर दिया इस वाली कंडीशन में, तो यहां पर एक तो फाई है और एक डी है, फाई और एक डी, इसमें हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, इसको तुम दे लेना समीकरण नंबर दो, ठीक है। अब चले डीएल को हमने कन्वर्ट कर दिया, अब एक तो साइन थीटा को हटाना है यहां से, रिप्लेसमेंट कर देंगे किसी दूसरे से, और एक आर को, ठीक है ना। तो अब किसको कन्वर्ट करना चाहते हो, साइन थीटा को करना चाहो तो साइन थीटा को कर लो, और आर को करना चाहो तो आर को कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से देखो, अभी देख लेते हैं इसमें, सबसे पहले तो मैं क्या जाएगा, समीकरण नंबर दो आ जाएगा, समीकरण नंबर दो आ जाएगा। इसके बाद में यदि हम बात करें कहां से, यहां से हम किस किस को रिप्लेसमेंट करें, आर को डी में रिप्लेसमेंट करूं, तो वही त्रिभुज ओ पी क्यू से, त्रिभुज ओ पी क्यू से आर और डी में रिलेशन, मैं इसको एक त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है इसके अकॉर्डिंग मैं इसका पोर्शन मानूं, जैसे ये हो गया अपने पास में, ये R है, ये एंगल फाई है और ये D है। तो यहां से मैं बात करूं तो थीटा के सामने वाला ये तो लंब है, तो ये आधार और कर्ण, आधार और कर्ण में रिलेशन कौन बताएगा, आधार और कर्ण में रिलेशन बताएगा कोस थीटा, और यहां से कोस फाई इज इक्वल टू, बोलो आधार की वैल्यू क्या है, D बटे कर्ण की वैल्यू R। तो यहां से कोस फाई बराबर क्या जाएगा अपने पास में, डी अपॉन आर, अपने को क्या चाहिए, आर, आर बराबर क्या हो जाएगा, डी बटे कोस फाई।
डी बटे कोस फाई। यहां पर तुम्हारे को आर की जगह क्या आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर फाई। ये वैल्यू तुम यहां पर पुट कर दोगे, तो इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर तीन। समीकरण तीन के बाद में यदि हम बात करें किसकी, यहां पर साइन थीटा और बचा है, ठीक है, तो साइन थीटा को हम कन्वर्ट करना चाहें तो यहां से क्या हो जाएगा बोलो, साइन थीटा को कन्वर्ट करोगे तो थीटा को किस में कन्वर्ट करना है, फाई में। वैसे ये जो एंगल है वो कितना है 90, तो वही त्रिभुज ओ पी क्यू से, त्रिभुज ओ पी क्यू से तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 त्रिभुज के, तो थीटा प्लस फाई प्लस 90 बराबर 180। तो यहां से 90 उस साइड में जाएगा तो माइनस में, तो थीटा प्लस फाई बराबर 90, और यहां से बोलो थीटा बराबर 90 माइनस फाई। तो यहां से क्या हो जाएगा, दोनों साइड में जैसे मैं ले लूं साइन की वैल्यू ले लूं, तो साइन थीटा बराबर साइन 90 माइनस फाई। साइन 90 माइनस फाई कितना होता है, कोस फाई। तो यहां से साइन थीटा बराबर कोस फाई, और ये तुम्हारे पास में समीकरण नंबर आ जाएगा चार। तो यहां से तुमने साइन थीटा को भी कन्वर्ट कर दिया, आर को भी कन्वर्ट कर दिया, और डीएल को भी कन्वर्ट कर दिया। तो समीकरण दो तीन चार से वैल्यू समीकरण एक में रखने पर, और यहां से क्या हो जाएगा बोलो, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई, डीएल की जगह तो क्या रखोगे, डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, डी स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर फाई। एंड साइन थीटा बचा, साइन थीटा की जगह क्या रख दोगे, कोस फाई, ठीक है। इनको मैं हटा देता हूं, तो इधर से देखो इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये क्या उल्टा हो जाएगा, कोस स्क्वायर फाई भी ऊपर चला जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा बोलो, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी सेक स्क्वायर फाई अपॉन डी स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर फाई। ये कोस स्क्वायर फाई ऊपर चला जाएगा ना, डी फाई बचा, डी फाई को मैं लास्ट में लिख दूंगा, इंटू कोस फाई एंड डी फाई। कोस स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल, क्योंकि सेक थीटा बराबर वन अपॉन कोस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन कोस स्क्वायर फाई हो जाएगा। तो वन अपॉन कोस स्क्वायर फाई इंटू कोस स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहां पर क्या बचा, डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई, एक डी से एक डी ए भी कैंसिल, तो डी हट गया, अपॉन डी बी लिख देता हूं कोस फाई एंड डी फाई। ये तुम्हारा क्या जाएगा, इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, और ये किसके पदों में आ गया, फाई के पदों में आ गया, ठीक है ना। तो अब यहां से आपको इस बात का मालूम है कि इस अल्पांश के कारण इतना आ गया, तो संपूर्ण ये जो संपूर्ण धारावाहिक चालक तार है ए बी, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैं इस अल्पांश के कारण निकाल के पूरी क्या कर दूंगा, मैं समाकलन कर दूंगा, कहां से, यहां से लेकर यहां तक। तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डीबी का मैं समाकलन कर दूंगा, लेकिन किसके सापेक्ष करूं यहां पर, डी फाई के, तो लिमिट किस में रखोगे, फाई के रूप में। तो फाई में क्या रखोगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, कहां से कहां तक, माइनस में नीचे तक रहेगी, तो माइनस फाई वन से लेकर के प्लस के फाई टू तक। और डीबी की यदि मैं वैल्यू रखता हूं तो कितना हो जाएगा, माइनस का फाई वन से प्लस के फाई टू तक म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन डी कोस फाई एंड डी फाई। यहां से ये सारी वैल्यू किसके सापेक्ष कर रहे हो, डी फाई के, तो इसके लिए ये सारी वैल्यू तो क्या हो गई, कांस्टेंट। तो इनको तो तुम क्या कर लोगे, बाहर ले लोगे, बची कौन, कोस फाई, कोस फाई रह जाएगा। तो यहां से बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी, और कौन बचा रहा है, कोस फाई, कोस फाई एंड डी फाई, माइनस के फाई वन से लेकर के प्लस के फाई टू तक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें यहां से आगे, कोस फाई का समाकलन क्या होता है, साइन फाई होता है, साइन फाई होगा, प्लस में होगा, तो यहां से प्लस में होगा, क्या कंफर्म है। साइन थीटा का क्या होता है, कोस थीटा अवकलन, ठीक है ना, और कोस फाई का साइन फाई हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, बी
बराबर म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी, और इसका समाकलन हो गया साइन फाई, और माइनस के फाई वन से लेकर के प्लस के फाई टू तक, ठीक है, हो जाएगा। तो इसके बाद में क्या करना तुम्हारे को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी अपॉन फोर पाई डी, और यहां क्या हो गया, अपर लिमिट साइन फाई टू माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस का फाई वन, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, साइन माइनस का फाई वन, माइनस का साइन फाई वन बोल दो चाहे, ये जो साइन माइनस का फाई वन है इसको तुम माइनस का साइन फाई वन लिख सकते हो, ये मैं आपको पहले ही बता चुका। तो यहां से b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी, इस माइनस को बाहर लेके आता हूं, इसके अकॉर्डिंग लिखो तो माइनस और माइनस प्लस का, तो यहां से क्या हो जाएगा साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन। अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग लिखोगे तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी और साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये तुम्हारा क्या जाएगा, इस कंप्लीट परिमित धारावाही चालक तार के कारण क्या जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है ना। क्या जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू हो जाएगा। इसके बाद में क्या जाएंगे, इसके केसेस आ जाएंगे, ठीक है, और वो केस भी हम देख लेते हैं एक बार। कि अपने पास में क्या हो, जैसे अभी तो अपने पास में परिमित लंबाई का धारावाही चालक तार था और इससे स्मॉल डी दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी। यदि ये धारावाही चालक तार का कितना लंबा हो, अनंत का हो, इसकी लंबाई कितना हो, अनंत हो, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू, तो आपको मालूम है कि ये इसको कहां पर काटेगा, अनंत पर, तो ये इस साइड में कहां पर जाके काटेगा, तो ये तुमने फाई वन माना था, तो फाई वन की वैल्यू भी कितनी है, 90 डिग्री, ये स्मॉल डी डिस्टेंस है, और ये फाई टू की वैल्यू भी कितनी है, 90 डिग्री, फाई वन की वैल्यू भी कितनी है, 90 डिग्री, और फाई टू की वैल्यू भी कितनी है, 90 डिग्री। तुमने फॉर्मूला क्या फाइंड आउट किया था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी और साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। यहां तुम्हारे को मालूम है कि फाई वन इज इक्वल टू फाई टू इज इक्वल टू कितना है, 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी और यहाँ 1 प्लस 1, क्योंकि ये भी कितना हो गया, साइन 90 प्लस साइन 90, ठीक है ना, तो ये साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी इंटू 2, कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ये तुम्हारा हो जाएगा अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद में यदि हम बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर अर्ध अनंत लंबाई के तार की, किसकी बात कर लेते हैं, अर्ध अनंत लंबाई के तार की, और इसके लिए जैसे मैं तुम्हारे को बता दूं कि जैसे मान लो कि ये तार है अपने पास में, इस साइड में से अनंत है और यहां से इससे स्मॉल डी दूरी पर स्थित बिंदु पी पर, ये यहां इसके बाद में हम बात कर लेते हैं फर्स्ट केस की, कि अपने पास में क्या हो, जैसे अभी दूसरे केस की बात कर लेते हैं अर्ध अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण की। तो इसमें जैसे हमने मान लिया कि यह अर्ध अनंत लंबाई का चालक तार है और इससे स्मॉल डी दूरी पर स्थित बिंदु पी पर, ये मैं मान लेता हूं कि साइड में जो एंगल बन रहा है वो फाई बन रहा है, कितना बन रहा है, फाई, ये किसकी वैल्यू आ गई, फाई वन की, यहां आज फाई वन की वैल्यू कितनी हो गई, फाई, और इस साइड में ये कहां पर मिलेगा, अनंत साइड अनंत है ना, तो इस साइड में ये अनंत पे जाके मिलेगा और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो वही तुम्हारे को मालूम है फॉर्मूला, तो क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई डी साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, तुम्हारे को मालूम है कि फाई वन की वैल्यू तो फाई है एंड फाई टू की वैल्यू कितनी है, 90, तो इसको तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा साइन फाई, और इसकी जगह क्या लिख दोगे तुम,
साइन 90 इज इक्वल टू 1, इसकी जगह तो क्या लिखोगे 1 और इसकी जगह साइन पाई, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी 1 प्लस साइन फाई, 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन फाई। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा अर्धन लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब हम बात कर लें थर्ड नंबर पे विशेष अर्ध अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण, किसके कारण विशेष अर्ध अनंत लंबाई के, तो ये विशेष क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है और ये जो वायर है इसके इसी सिरे पर अपने को क्या करना है चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू याद करनी है। तो ये जो तुम्हारा जो फाइव वन बनता था वो आज ये कम होता होता कितना हो गया 0, यहां फाइव वन की वैल्यू हो गई 0 और ये जो फाइव टू की वैल्यू है ये कितनी हो गई 90, ये डिस्टेंस वही डी है। तो वही तुम्हारे को मालूम है फॉर्मूला तो ये हो ही गया, फाइव वन की वैल्यू 0 तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 और फाइव टू की वैल्यू कितनी है 90 तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहां से b इज इक्वल टू कितना हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और इसकी जगह साइन फाइव वन की वैल्यू 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 1, 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो यही रहेगा b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी हो जाएगा। अनंत का भी हो जाएगा, अर्धनंत का भी हो गया, विशेष अर्धनंत लंबाई का भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं विशेष परिमित लंबाई के तार के कारण। तो विशेष परिमित लंबाई का मतलब ऐसे कहना चाह रहा हूं कि ये परिमित लंबाई है और इसके इस सिरे पर ये स्मॉल डी डिस्टेंस एल लंबाई का ये धारावाही चालक तार है। तो वही यहां पर भी आज तुम्हारे पास में इस साइड में यदि वायर होता तो ये इस साइड में कहीं पर एंगल मिलता और ये एंगल कुछ होता, लेकिन कुछ नहीं है तो एंगल 0, मतलब यहां पर भी तुम्हारे पास में फाइव वन की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, फाइव वन की वैल्यू तो 0 हो गई, यहां फाइव वन की वैल्यू तो 0 और ये फाइव टू की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। ठीक है, वैसे तुम इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करें ना, ये तो ये क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां से ये वाला फॉर्मूला है तुम्हारे पास, यहां पर दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे, साइन फाइव वन की वैल्यू तो 0 है तो साइन 0 की वैल्यू तो 0, तो यहां से क्या हो जाएगा बोलो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और बोलो साइन फाइव, फाइव वन की वैल्यू 0, 0 में साइन फाइव, फाइव टू की जगह क्या रखोगे 5, तो यहां साइन फाइव आ जाएगा 0 प्लस साइन फाइव साइन फाइव रह जाएगा। साइन थीटा बराबर वैसे क्या होता है लंबटे आधा या लंबटे करण, लाल बटा अकॉर्डिंग लंबटे करण, लंब बटा करण की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब तो कौन सा है थीटा के सामने वाला एल और करण की वैल्यू ये, तो इसकी जगह ये भी रख सकते हो तुम, और बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और बोलो एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में। ठीक है ना, ये तुम्हारे पास में इसके क्या हो जाएंगे केसेस भी हो जाएंगे।